नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। एसडीएम ज्योति मौर्या में के मामले में एक नया मोड़ आ गया है दर्शकों, और मामला ये है कि एफआईआर दर्ज करा दी गई है। क्या है पूरा मामला जरा एक बार समझ लीजिए। एसडीएम ज्योति मौर्या मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, पति पत्नी और वो की लड़ाई अब कोर्ट तक जा पहुंची। जब से यह मामला सामने आया है तभी से सोशल मीडिया पर ज्योति मौर्या को लेकर कई तरह की मीम्स, जोक्स, रील्स और अश्लील गाने बनाकर वायरल किए गए हैं। इसी लेकर ज्योति ने आज तक से बातचीत में कहा कि वे उन सभी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाएंगी जिन्होंने इस तरह की हरकत करके उनका चरित्र हनन करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि बाहर वालों को तो क्या ही कहना, जिन्हें मेरी मान मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए था उन्होंने ही खुद सबके सामने मेरा तमाशा बनाया। आलोक ने खुद घर की बातों को बाहर लाने का काम किया है तो इसमें बाहर वालों को क्या ही बोला जा सकता है। आपको बता दें कि इसी के साथ ज्योति ने कहा कि भले ही अब आलोक कर रहे हैं कि वो समझौता करने को तैयार हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया है। महिला चाहे कोई भी हो, चाहे वो नौकरी करने वाली हो या एक गृहिणी, सेल्फ रिस्पेक्ट सभी को प्यारी होती है। मैंने उनसे अलग होने का जो भी फैसला लिया है वो बिल्कुल सही है। अब देखना पड़ेगा कि इस मामले में एक नया तूल तो आ गया है, क्या वाकई में जो है अब सीमा हैदर एफआईआर दर्ज करवाएंगी, कह रही हम बदला लेंगे, तो क्या आलोक मौर्या गिरफ्तार होंगे, क्या सीमा हैदर अब बदला लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गई हैं, क्या वो जेल नहीं जाएंगे, ये तमाम अहम सवाल तो है। हालांकि मनीष दुबे का इस बीच में खेल ख़त्म हो गया, सस्पेंड भी हो गया, उनकी गिरफ्तारी कब होगी भगवान जाने। लेकिन अब जो आलोक मौर्या और ज्योति मौर्या की लड़ाई नई शुरू हुई है, इसमें देखते हैं कौन जीता है और कौन हारता है। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, नेक्स्ट नाइन न्यूज़।